नमस्कार, और कैसे हो? तो आज का वीडियो डेली व्लॉग से हटकर होगा। आज फार्म के बारे में बात नहीं होगी, हालांकि बात फार्म के बारे में ही होगी, लेकिन इशू ये है कि अपने फार्म पे जो काम करने के लिए बंदा रहता था, अनु भाई साहब, जिसको मैंने वीडियो में बहुत बार दिखाया है, तो वो यूपी के रहने वाले हैं। तो वो अपने फार्म को छोड़कर जाने वाले हैं, उनको अपने घर पे कुछ ज़रूरी काम है, और बोल रहे हैं कि अगले 2 महीने तक वो लौट के नहीं आएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि 2 महीने के लिए तो कोई बंदा चाहिए ना काम करने के लिए, और उसके बाद भी इनका भरोसा नहीं है। मतलब बोल रहे हैं कि फ़िक्स नहीं है कि 2 महीने बाद लौट के आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो उनको मैं डर यही है कि वो बोल रहे हैं कि घर पे उनका कॉल आया था कि लॉकडाउन लगेगा, बट मैं इनको समझा के थक चुका हूँ। इतनी बार समझा दिया कि भैया फिर से लॉकडाउन नहीं लगेगा, अगर लॉकडाउन लग भी जाता तो भाई कोई दिक्कत नहीं, अपने फार्म पे रहने के लिए जगह है, वही रहते तो हैं ही फार्म पे, सब सर्विस है, सब सुविधाएँ मिल रही हैं आपको। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन लग जाएगा तो हम यहाँ से निकाल देंगे और आप बदल जाओगे, लेकिन इनको डर यही बैठा हुआ है। शायद पिछली बार इनके साथ ऐसा हुआ होगा तो इस बार ये डर रहे हैं, और अभी भी लॉकडाउन था तो इधर ही थे अपने पास, बट मैंने इनको बहुत समझा दिया, ये मान ही नहीं रहे। अब जाएंगे तो जाएंगे, बार बार समझाने से बंदा मानता भी नहीं है। तो इसके लिए मुझे एक बंदा चाहिए होगा काम के लिए, अगर एक बंदा नहीं हो, यानी कि मियाँ बीवी हो, उनका जोड़ा हो, तो वो लोग भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने स्क्रीन पर अपना नंबर डाल रखा, जहाँ से आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सैलरी कितनी मिलेगी इसके बारे में कॉल पर बात हो जाएगी। और मैं आपको थोड़ा सा फार्म भी दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह का काम करना पड़ेगा और कौन कौन सी बेसिक सुविधाएँ मिलेंगी, वो सारा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो बंदा अपने पास काम करने के लिए आएगा, बंदा या फिर मियाँ बीवी का जोड़ा होगा, वो काम करने के लिए आएंगे, तो उनको इस जगह पे रहना होगा। ये अपना फार्म है और इसके पीछे अपना घर, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इधर ही अपने घर हैं, इसके ये जो घर दिखाई दे रहा है, इसके पीछे अपना मकान है, पीछे वाला घर अपना, तो यहाँ पर उनको रहना होगा। और ये अपने खेत हैं जहाँ पर चारा वारा लगा रखा है, आगे इधर सारे अपने ही खेत हैं, और जस्ट फार्म के नज़दीक में गांव की पक्की सड़क निकलती है, और यहाँ से फिर सिटी में जाने के लिए, जैसे कोई बंदा बाहर से यूपी, बिहार, झारखंड, मतलब कहीं से भी आए, तो ट्रेन वगैरह, बस की सब सर्विस है आसपास में, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको थोड़ा सा फार्म दिखा देता हूँ कि आपको रहने के लिए किस तरह की जगह मिलेगी और कौन कौन सी बेसिक सुविधाएँ मिलेंगी आपको। ये अपना फार्म है और फार्म पे कितनी गायें हैं सब आपको दिखा देता हूँ। अभी फार्म पे कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। ये अपनी सारी गायें हैं, तो बहुत ज़्यादा संख्या में पशु नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप काम करने के लिए आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहेगा, काम का बहुत ज़्यादा दबाव रहेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। टोटल 11-12 गोवंश हैं, एक बफेलो है, बाकी सब गोवंश हैं। ये रहे काम अपने सारे गोवंश, और ये अपना शेड अंदर से है, ये देख लो आप लोग। और आपको काम करने के लिए काम ये रहेगा, गायों को सूखा चारा डालना, हरा चारा डालना। हरे चारे के लिए आपको इधर से कटाई करनी पड़ेगी, ये दिखाई दे रहा सामने, उसके बाद थोड़ा सा आगे खेत है जहाँ पे भी हरा चारा आपको काट के लाना पड़ेगा। और सूखा चारा जो है वो घर के पीछे गोडाउन है जहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जो गायों के लिए दाना वाना रहेगा, जिसकी आपको पिसाई करनी पड़ेगी दाना वाना की, वो सब इधर कलेक्ट करके रखा अपन ने, यहीं पे आपको मिल जाएगा। और ये चक्की है और साफ कटर है जहाँ पे आपको हरा चारा काटना पड़ेगा, और ये चक्की है जिसमें आपको दाना पीसना पड़ेगा गायों के लिए। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मॉर्निंग का रूटीन बता देता हूँ। मॉर्निंग का रूटीन ये रहेगा, आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठकर आपको सबसे पहले गायों का गोबर उठाना पड़ेगा मॉर्निंग के टाइम पर, क्योंकि साफ़ सफाई सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और गोबर उठाकर आपको गोबर फेंकना पड़ेगा, ये इधर दिखाई देता है, इस जगह पे आपको गोबर उठा के फेंकना पड़ेगा। और इसके बाद में सेकंड काम होगा गायों को चारा डालना, सूखा चारा और जो हरा चारा है वो मिक्स करके आपको गायों को खिलाना पड़ेगा। और उसके बाद अगला काम होगा मिल्किंग का। अगर आपको मिल्किंग नहीं भी आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब सिखा देंगे। कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप पहले से परफेक्ट होंगे तो ही हम काम करने के लिए आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये काम पहले नहीं किया है, तो पहली बार कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 से 8 दिन में आप सीख जाओगे। उसके बाद अगला काम ये होगा थोड़ा सा साफ़ सफाई से रिलेटेड, यानी कि मिल्किंग के बाद में, जैसे यहाँ पर गायें दिन में थी तो थोड़ा सा मिट्टी को समतल करना वगैरह वगैरह, ये काम रहेगा। उसके बाद ऐसा काम करते करते आपको 9 से 10 बज जाएंगे सुबह के। उसके बाद अगला काम रहेगा गायों को पानी वानी पिलाना, और गायों को जैसे गर्मी है तो गायों को शेड के अंदर बांधना, उसके बाद बाहर की साफ़ सफाई करनी, और ये करते करते आपको 11 बज जाएंगे, यानी कि दिन के 11 बजे के बाद
आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट करने के लिए अभी तो अपने पास यही जगह है, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ये सब पक्का हो जाएगा। इधर ये जो कच्चा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी जो अनु भाई साहब थे वो इधर ही रहते थे, ये चारपाई है। मैं भी दिन में हालांकि मैं अपना ऑफिस वर्क रहता है तो वो संभालता था, और रात में मैं भी इधर ही सोता हूँ। ये अपनी चारपाई वगैरह जो डली हुई हैं इधर ही रहता हूँ मैं भी, और दिन में मैं इधर रहता नहीं हूँ, मोस्टली बाहर ही रहता हूँ यानी काम के लिए। तो आपको इधर जगह मिल जाएगी रहने के लिए और ये पक्का हो जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई सांप वगैरह का डर है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई जंगली जानवर का किसी तरह का डर नहीं है। और इसके बाद बात करते खाने की, तो खाना अगर आप अकेले बंदे होंगे तो आपको खाना घर से मिल जाएगा, अपना घर है, घर पे आपको जाके खाना मिल जाएगा, या फिर आपके लिए खाना इधर आ जाएगा। सुबह का ब्रेकफास्ट भी, दोपहर का खाना भी और शाम का खाना भी आपको इधर मिल जाएगा। अगर आप मियाँ बीवी हैं यानी कि जोड़ा है तो आपको घर से खाना नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा। अपन घर से आपको खाना बनाने के लिए राशन दे देंगे, यानी कि आटा वगैरह जो भी आपको चीज़ें चाहिए होंगी वो घर से मिल जाएंगी आपको। खाना आपको खुद को बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको सब सर्विस मिल जाएंगी, गैस चूल्हा वगैरह सब मिल जाएगा आपको। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर घर से खाना बना के देंगे तो फिर मम्मी के लिए इतना काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि हम खुद 6 बंदे हैं घर पे और उसके बाद 2 और बंदे बैठ जाएंगे तो इसके लिए मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम खाना नहीं देंगे, 2 बंदे होंगे तो खाना खुद को बनाना पड़ेगा, बट सब सुविधाएँ मिल जाएंगी आपको। और इसके बाद आगे बात करते हैं बाथरूम वगैरह इनकी भी। अभी तो क्या था कि अनु भाई साहब खेत से काम चला रहे थे, क्यों झूठ बोल रहे हैं अपन, सच्ची है, बट आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये देखो फार्म में कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है, मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर। तो इधर अपने बाथरूम वगैरह बनेंगे तो 10-15 दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा। टॉयलेट होगा, बाथरूम होगा, नहाने और सब सर्विस मिल जाएगी। ये देखो ये टॉयलेट वगैरह के लिए खुदाई हो रखी है, और सेफ्टी का बहुत सारे बंदों का रहता है कि भाई इतनी दूर जाएंगे और ऐसे खेतों में रहेंगे तो सेफ्टी का कैसे क्या रहेगा। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं आपको, अपना एरिया किसी भी तरह के क्राइम के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पे क्राइम वगैरह इतना ज़्यादा है नहीं कि भैया अपन ऐसे सुनसान तो नहीं है, क्योंकि अपना घर है, इधर और भी घर हैं बहुत सारे, तो ऐसा बिल्कुल भी डर नहीं है क्राइम वाला। बाकी अपन इधर रहते ही हैं और आपके साथ ऐसा कोई भी काम नहीं होगा कि भाई आपको कल को कोई तकलीफ हो, ऐसा हो कि भाई हम इधर आ गए और हम उनके साथ मारपीट वगैरह गाली गलौज वगैरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल आप अपने हिसाब से काम करेंगे, काम का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, यानी कि हम काम बता देंगे आपको, काम देखो वो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम काम बता दिया और वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि काम के लिए तैयार बंदे बुला रहे हैं, अगर काम ही नहीं करेंगे तो फिर बंदे क्यों बुलाएंगे। ये तो बात होगी सुबह की और दोपहर की, अब बात करते हैं शाम की, शाम के टाइम में क्या काम रहेगा। तो शाम के टाइम में जैसे अभी शाम का टाइम है तो शाम के टाइम का काम ये रहेगा मिल्किंग का। मिल्किंग होने के बाद जैसे गाय का गोबर है, थोड़ा साफ़ सफाई हल्का फुल्का वो आपको करना पड़ेगा, उधर गोबर उठा के फेंकना पड़ेगा, और शाम का सारा काट के लाना पड़ेगा, साफ कटर में कटाई करनी पड़ेगी। और ऐसे करते करते आपको 7 बज जाएंगे, शाम के 7-7:30 बज जाएंगे लास्ट। उसके बाद आपको कोई काम नहीं होगा, आप बिल्कुल फ्री हैं। उसके बाद आपको शाम का खाना मिल जाएगा और खाना खाकर आप इधर खुले आसमान के नीचे रेस्ट कर सकते हैं, अगर बारिश वारिश आती है तो। इसके बाद अभी देखो अभी तो इससे काम चला रहे हैं, बट अभी देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो उधर इनके लिए रूम बन जाएगा, तो सर्दी में बारिश में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके लिए गर्मी का टाइम है तो पंखा वगैरह सब मिल जाएगा। तो फाइनली मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई बंदा आएगा तो बिल्कुल एकदम जन्नत जैसी जगह मिलेगी उसको रहने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन एक दो मेरी शर्तें हैं, मेरे बंदे को डेली नहाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बंदे रहते थे मेरे पास अनु भाई साहब, ये दो तीन दिन तक नहाते नहीं थे, और इसके लिए हम इनको इतना ज़्यादा डांटते थे बहुत ज़्यादा। तो बंदा जो भी होगा डेली नहाना पड़ेगा, ये हमारी शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि नॉन वेज नहीं मिलेगा, आप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इधर सब बंदे वेजिटेरियन हैं, मैं ही नहीं इधर आसपास के हमारे गांव में, मतलब हमारा कल्चर ही ऐसा वेजिटेरियन का, वो नहीं मिलेगा। रही बात शराब की, तो फार्म में नहीं मिलेगा, बाहर जाके आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब खाना पीना एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी का मिलेगा, बहुत अच्छा खाना मिलेगा, दूध दही घी सब वगैरह खाने को मिलेगा आपको। तो अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए आप मुझे जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है इस पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको सब बातें डिटेल में समझा दी जाएंगी। और जो सैलरी रहेगी, सैलरी आपको हर मंथ के एंड में मिल जाएगी, यानी कि मंथ का जैसे जिस मंथ से आप स्टार्टिंग करते हैं और वो मंथ कंप्लीट हो जाता है, मंथ कंप्लीट होते ही आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी आपको।